फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं बहुत जबरदस्त हूँ, मैं हूँ रघु और आप सबका स्वागत करता हूँ एलकेआर रघु केटी में। दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ बैगन का भक्ता। अक्सर ही हम लोग घर में बनाते हैं, नॉर्मली गैस पे बनाते हैं, तो आज मैं बना रहा हूँ इनको ओवन के अंदर। तो मैंने इसमें क्या किया, दो टमाटर भी मैं इसको रोस्ट कर रहा हूँ, हल्की से मैंने चीरे मार दिए इसमें, सो दैट कि हमारा जो अगर मैंने स्किन निकालनी है तो ईजीली स्किन भी निकल जाएगी इसकी। और हल्का सा लगाएंगे दोस्तों इसके ऊपर ऑयल, ऑयल से क्या किया थोड़ा और जल्दी इसकी जो बैगन का भर जाएगी स्किन, जल्दी है जल्दी ना, तो और जल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं हल्का सा इसमें ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया दोस्तों, अब मैं इसको करूँगा रोस्ट। और ये मैंने लगा दी दोस्तों, मशीन के अंदर डाल दी है ओवन के अंदर। तो आफ्टर 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे हम अब इसको। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेते, ये देखो हो चुके हैं दोनों के दोनों रोस्ट अच्छे से। तो अब इनको हम पील करके काट लेंगे। आपने क्या करना है, इनको पील करके उसके बाद अच्छे से चॉप कर लेना इनको ना, जितने भी आप कर सकते हो चॉप, इसको अच्छे से रफली चॉप कर ले। मैंने इसके लिए दो प्याज, रफली प्याज चॉप कर रखे दोस्तों। ये हमारा एक प्लांट आ गया चॉप, हो चुका है रोस्टेड। और जो मैंने टमाटर ओवन में डाले थे दो पीस, तो वो भी अब बढ़िया से देखो ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुके। और इसमें मैं ढेर सारा कोरिएंडर ले रहा हूँ और रूट के साथ दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हमारा जीरा यहाँ भून चुका है, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को अच्छे से भूनना है हमने, हल्का सा अच्छे से कुक कर लेना, हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक हमने पकाना जब तक उसका ब्राउन कलर ना हो जाए दोस्तों। दोस्तों अब हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट, अराउंड 1 टेबल स्पून, और अगेन टू टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों देखो ब्राउन कलर हो गया इसका थोड़ा बहुत। अब आपने डालना है कोरिएंडर रूट, कोरिएंडर लीफ अभी नहीं डालनी आपने, वो तो लास्ट में डालते हैं। जो रूट का जो फ्लेवर आता है ना दोस्तों, बहुत प्यारा फ्लेवर आता है अगर आप उसको पहले डाल के अगर भूनते हो ना, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है दोस्तों। एक बार डाल के देखना है, ऐसे बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है दोस्तों। अब आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको अच्छे से सौते करना है। फिर तो दोस्तों मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर मसाले। अब 1/2 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाली दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैंने डाला हल्दी, और ये लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। तो जितना भी आपको स्पाइसीनेस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। इसको अच्छे से भूनना है दोस्तों हमने इसके अंदर। अच्छे से भूनने के बाद जैसे भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर टमाटो जो हमने बनाए काटे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम कर देते हैं टमाटो ऐड, और उसके बाद अच्छे से टमाटो को भूनेंगे। बढ़िया से भूनने के बाद इसको कर देंगे हम थोड़ी देर के लिए फिर कवर दोस्तों, 5 मिनट के बाद फिर देखेंगे इसको। स्लो आंच में रखना हमने, आप देख सकते हो आप तो 5 मिनट के बाद ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं टमाटर। अच्छे से हम इसको स्पून से भी थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो मसाला हमारा बहुत ही मज़ेदार बनता हुआ और रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ओरिजिन जो अभी हमने अभी रोस्ट करे थे। तो अब इसको हमने अच्छे से भूनना है दोस्तों, बढ़िया से भून के इसको हम कवर कर देंगे और स्लो आंच में रख देंगे, ताकि जो हमारे बैगन के अंदर जो भी हमारे भरते में पानी रहेगा वो सारा सूख जाएगा ना। तो उसके बाद जो टेस्ट आएगा, हल्का सा ऑयल छोड़ेगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद इसको अच्छे से भून के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट कर देंगे इसको। तो दोस्तों फाइनली हमारा भरता यहाँ पर हो चुका है रेडी, बहुत सारी मेहनत के बाद, मेहनत बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत के बाद फाइनली हमारा भरता यहाँ रेडी हो चुका है। और मैं इसमें डाल रहा हूँ दोस्तों कैश्यू नट का पेस्ट। तो मैंने नॉर्मली क्या किया, काजू को भिगा के उसको पीस दिया, और उसका 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है बटर दोस्तों। अब इसको अच्छे से सौते करेंगे अराउंड 1 मिनट, उसके बाद ही हमारा भरता फाइनली हो जाएगा दोस्तों रेडी।
तो दोस्तों फाइनली हो चुका है भरता रेडी, और अब इसमें मैंने डाला है ढेर सारा धनिया, हरा धनिया। तो लास्ट में हरा धनिया डालना है, रूट हमने पहले डाले थे। रूट का जो फ्लेवर आता है ना बहुत प्यारा आता है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कैश्यू नट का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालेंगे तो बहुत ही क्रीमी क्रीमनेस और हल्का सा स्वीटनेस आता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा बैगन का भरता यहाँ हो चुका है रेडी। अब थोड़ी सी कुछ कमी लग रही है ना इसके ऊपर, ये आया हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए। तो दोस्तों ये आया हमारा, फाइनली हो गया हमारा बैगन का भरता तैयार। तो आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर।